और ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लगातार चर्चा आज हम इस विषय पर कर रहे हैं कि आखिर जो कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह का बयान सामने आया, वो सीएम का स्वागत करने के लिए जाएंगे गौरव यात्रा में, और उन्होंने कहा वो मंच पर जगह भी ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया गया तो मैं अपनी समस्याएं भी वहां रखूंगा। अब बीजेपी की यात्रा में कांग्रेस के उपाध्यक्ष की क्या जगह है, और वो मंच पर अगर जगह तलाश रहे हैं तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये बात कांग्रेस कितना समझ पा रही है, इस पर बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मनोज जी कांग्रेस से। मनोज जी, एक सवाल और अहम ये रहेगा, सिर्फ इतना ही उन्होंने नहीं कहा कि वो सीएम का स्वागत करेंगे, बल्कि उन्होंने एक नाराजगी जताई थी जहां जगन्नाथ पहाड़िया और दुरु जी के मंच पर जगह न मिल पाने की बात को लेकर भी वो नाराज हैं। लेकिन इस नाराजगी की बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं राहुल गांधी को जो तस्वीर प्रदेश के नेता दिखा रहे हैं सिर्फ वो उतना ही देख पा रहे हैं, बाकी जो अन्य चीजें हैं या विश्वेंद्र सिंह जैसे जो मसले हैं, क्या राहुल गांधी को नजर नहीं आ रहे? अगर नजर आ रहे हैं तो वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे इस पर? देखिए आशीष जी, विश्वेंद्र सिंह जी उस दिन मंच पे नहीं थे इसलिए उनको पूरी वस्तुस्थिति से अवगत नहीं है। उसके बाद मैं ऐसा बोल मेरे नाम से ही ये परमिशन ली गई थी, पूरी रोड शो की परमिशन मनोज मुद्गल के नाम से थी, पूरी रामलीला मैदान की वीआईपी गेट पास सब व्यवस्था मेरे नाम से थी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जगन्नाथ पहाड़िया जी की जब राहुल गांधी जी आए थे तो लाठी गिर गई थी, राहुल गांधी जी ने स्वयं नीचे झुककर लाठी उठाकर जगन्नाथ पहाड़िया जी को दी, तो पहला तो प्रश्न उनका यही खत्म हो गया जो वो बात कह रहे हैं, उनको पूरे बात से अवगत नहीं है। दूसरी बात, दरु मिया जी की बात करें, दरु मिया जी का वीआईपी सीट गेट पास मेरे द्वारा लिस्ट में बनवाया गया था, इसका मैं गवाह हूं। ये भी उनको पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस व्यवस्था को देखने वाला अधिकृत कांग्रेस का आईएनसी का सदस्य था। तीसरी बात, अब मैं एक बार थोड़ी और आना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बहुमत के साथ जीती हुई पार्टी भाजपा 163 विधायक का बहुमत मिला, उनको अभी भी अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है कि वो दूसरे विधायकों की कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि कोई दुश्मन नहीं होता, कोई स्थाई नहीं होता, कोई रूप से नहीं होता। तो मदनलाल जी सैनी का कोई व्यक्तित्व में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये बात मैं अभी और भी इसमें आपको क्लियर करूं कि जिस दिन शनिवार को राहुल गांधी जी जयपुर आए उस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि आज तो ग्रहण भी था और आज अमावस्या भी थी। हमारे द्वारा उसका तुरंत जवाब कि आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आज चुनावी शंखनाद का शुभारंभ कर रहे हैं बंगाल से, तो क्या उनपे ये अमावस्या ग्रहण लागू नहीं होता? वो बंगाल में जब वो नहीं, इसका जवाब लक्ष्मीकांत जी से लूंगा, लेकिन आप पहले ये एक बात ये स्पष्ट कीजिए कि जब धर्म मिया जी के मामले में कर रहे हैं तो ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि मामला संगीन है, वो जानबूझकर विषय ढूंढ रहे हैं नाराजगी दिखाने के, और भरतपुर जैसे क्षेत्र की, भरतपुर बेल्ट जो पूरी जाट बाहुल्य बेल्ट है, अगर आप ये समझे कि एक पार्टी के लिए, राजनीतिक दल के लिए अगर वो इतनी बड़ी बेल्ट अगर उनके हाथ से जाती है तो भारी वोट बैंक हाथ से जा सकता है, और जो राज आने का सपना देख रहे हैं वो सपने में कहीं ना कहीं वो ग्रहण जो वाली जो आप बात कर रहे हैं वो यहां लागू हो रही है कि वो कहीं ग्रहण ना लग जाए, इसलिए इस पर थोड़ा सा स्पष्ट होना कांग्रेस को जरूरी है, और समय रहते हो जाए तो बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ। मुझे आप समय दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। कि आपने ये बात कही कि उनकी बात में कहीं दम लग रहा है, कोई दम नहीं है, क्योंकि 4 महीने पहले अभी प्रताप जी मेरे पास बैठे, सीनियर है, इनको पता है कि उन्होंने उनके द्वारा ही ये बयान दिया गया था कि डूबती नैया में कोई भी नहीं तैरना चाहता, वो भाजपा को डूबती नाव बताया उन्होंने, 4 महीने पहले उनका बयान आया था कि मैं डूबती नाव में क्यों बैठूं। तो उनके बयान को अगर आप 4 महीने पहले के बयान को देखें तो उनका बयान बिल्कुल स्पष्ट था कि भाजपा की नैया डूब चुकी है, भाजपा हार के कगार पे है, मैं इस नैया में बैठने वाला सवार नहीं हूं। अब आप उस तथ्य को यहां भी जोड़ लीजिए कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं, 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, आप 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं, क्या बहुत फर्क है? आज वो 4 महीने पहले चुनाव नहीं थे लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं ना मनोज जी, ये बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए इस पर बात करना मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर काम करना चाहिए या कांग्रेस इस पर कोई स्टैंड ले। आप
आप देखिए घनश्याम तिवारी जी के लिए रोज मदन लाल जी सैनी नए नए बयान देते हैं हमारे, वो जबकि घनश्याम तिवारी जी वो तो अलग हो गए, को भी घेर रहे हैं वो तो अलग हो गए, घनश्याम तिवारी जी ने तो पार्टी अलग बना ली, अब बीजेपी को ना उनसे कुछ लेना देना है ना उनका बीजेपी से कोई लेना देना है, अपने दोस्त मानते हैं जी, नहीं बहुत अच्छी बात, रोज कोस रहे अमित शाह जी को, वसुंधरा जी को, फिर भी मदन लाल जी सैनी रोज उनको अपना दोस्त बताते हैं। अब मैं एक बात और बता दूं, मदन लाल जी सैनी की तो पॉलिसी यही है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि जी कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, वो दोस्त इसलिए कह रहे हैं कि भाई चुनावी समय वो अगर दुश्मन कहेंगे क्योंकि घनश्याम तिवारी ने अच्छा खासा समय बीजेपी को दिया, वो नाराजगी की वजह से उनकी जब वो बातें पूरी नहीं, वो उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस का विषय आप स्पष्ट करें। आशीष जी उनको उनके उनको अपने विधायकों पे अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, हाँ। तभी तो दूसरों की तरफ देख रहे हैं, अगर उनके विधायक उनके अगर प्रतिनिधि अगर स्ट्रांग होते तो वो दूसरों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हाँ। और कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है, हाँ। मैं आज आपको कांग्रेस के मंच के प्रवक्ता के नाते बता रहा हूं, हाँ। कि उनके सारे मंसूबे फेल होंगे, उनको इस मंसूबे में कहीं सफलता नहीं मिलने वाली और विश्वेंद्र सिंह जी कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि डूबती नैया में कोई भी नहीं बैठेगा, ये बात विश्वेंद्र सिंह जी ने ही क्लियर की है, और मदन लाल जी सैनी कितने दूर के डोर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको यानी कांग्रेस को अपने नेताओं पर इतना भरोसा है कि वो अगर सामने से इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि वो खिसक सकते हैं धड़क सकते हैं उसके बाद भी आप आग बंद करके भरोसा किए हुए, चलिए अच्छी बात है, देखिए भरोसा होना बहुत जरूरी है, अगर आप भरोसा दिखा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि जो विश्वेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने की बात है उसमें फेल होंगे जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बार बार इस विषय को लेकर, बीजेपी के नेताओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत जी चूंकि जिस तरह का बयान मदनलाल सैनी दे रहे हैं इस बात को लेकर, क्या वाकई भरोसा नहीं है या भरोसे वाली बात यहां पर और डूबती नाव और ये सब विषय उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो बता दूं कि अपने संभाल नहीं जाते, अपने संभाल ले, अपने लोगों को संभाल के रखे ज्यादा ठीक होगा, वो लोग हमारे तरफ आ रहे हैं, आकर्षित है, और आकर्षित तभी हो रहा है तो शासन हमारी ओर आ रहा है, तो निश्चित मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी शासन राजस्थान बनने वाला है, पहली बात। अब मैं सिलसिलेवार माननीय मनोज जी की बात है, कुछ बातों का जवाब और कुछ बातों का, तो मैं इनको लगता है मनोज जी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सुभाष मेहरिया जी वगैरह सब छोड़ के आए, हाँ कोई बात नहीं, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोड़ गए हैं, हरि सिंह जी ने भी भाजपा छोड़ी है, उनका भी जवाब दे, मैं टोकूंगा नहीं आप, बिल्कुल छोड़ गए हैं, पहले छोड़ के जा चुके हमारे को, चिंता नहीं करें, जो आपके पास आने वाले हैं उसके जवाब उनकी बात कर रहा हूं, उनके बारे में भी बताएं, अब मुझे लगता है या तो माननीय प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष माननीय विष्णु चंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, या फिर माननीय मनोज जी हैं मंच पर बैठ के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि दुर्रू मियां और जगन्नाथ जी पहाड़ी के बारे में वक्तव्य है तो उनका गलत है, तो ये कह दे कि माननीय विष्णु सिंह झूठ बोल रहे हैं तो मान लिया जाएगा, राजस्थान कांग्रेस कह दे आज प्रवक्ता के नाते कि बिल्कुल विष्णु सिंह झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं वही बात सत्य है। देखिए वीआईपी कुर्सी बैठा मंच पर स्थान देना दोनों फर्क होता है, कितना स्थान मंच पर मिला कितना स्थान वीआईपी कुर्सी मिला, ये बेसिकली ये फर्क माननीय विष्णु सिंह ने जाहिर किया, तो इस बात को साबित करता है कांग्रेस में कहने का अंतर्गत चल रहा है, पहली बात। और जिस प्रकार का दिल से दिल मिला देने वाला विषय नहीं था, मनभेद अब भी बरकरार है, मनभेद अब भी चल रहे हैं, मतभेद कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास माननीय राहुल गांधी किया, जो दो लोगों को बुलाकर दिल्ली में उन्होंने दूर करने का प्रयास किया था, यहां पर मंच पर दिखाने के मात्र से मतभेद दूर नहीं हो जाया करते, ये बात कांग्रेस जग जाहिर है, पूरी कांग्रेस की जब आप फेरिस जब उस समय का जो सीनियर देखते हैं मंच देखते हैं तो माननीय सीपी जोशी जी और माननीय भवन जितेंद्र को खास स्थान मिलता है, ये भी देखने वाली बात है, तो बड़ा विषय उठता है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, कांग्रेस के नेता वहां से टूटकर 4 महीने पहले विश्वेंद्र जी क्या कह रहे थे, उसके 4 महीने पहले जब जो धौलपुर का चुनाव था तब विश्वेंद्र जी क्या कह रहे थे वह भी देख लें, और अब विश्वेंद्र जी क्या कह रहे हैं यह भी देख लें, तो लगातार देखिए चुनाव राजनीति में लगातार रोजाना परिदृश्य बदलता है, और परिदृश्य जब जब बदलता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बातों का यथार्थ भाव निकल के सामने आता है। अब आज की बात को यदि माने तो मैं मानता हूं उसी तौर पर कि विश्वेंद्र सिंह जी आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है, उन्हें लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता वापसी होने वाली है, उनका वक्तव्य इस बात को सीधे तौर पर जाहिर करता है। अब कांग्रेस डूबती नहीं है, आज शायद विश्वेंद्र को ऐसा लगने लग गया है, तो इसलिए उनका जो मन है वह कांग्रेस से विस्तृत हो गया है, और जिस प्रकार सवाल उन्होंने खड़े किए हैं वे उन्होंने यहां पर राहुल गांधी जी को भी और साथ साथ सचिन पायलट और अन्य नेताओं को भी कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया। अब मेरा सीधे तौर पर सीधा बहुत सीधा सा सवाल है कि क्या विश्वेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल दे कि विश्वेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, यहां पर कहते हैं कि निश्चित विश्वेंद्र जी जो भी कह रहे हैं वे झूठ बोल रहे हैं, और झूठ विश्वेंद्र जी बोला है कांग्रेस का बिल्कुल ठीक था, मंच पर स्थान उपलब्ध था दुर्रू मियां जी को और माननीय जगन्नाथ जी पहाड़िया को, तो मान लेंगे या फिर ये मान लेंगे कि विश्वेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, ये यहां पर कह दें। सीधे तौर पर कांग्रेस की जो बातचीत चल रही है सामने दिख रहा है, इससे पूरे देश की जनता प्रदेश की जनता देख रही है, कुछ भी ठीक वहां पर नहीं है, पहली बात। अब जिस प्रकार से इन्होंने बार बार करके हम पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया, निश्चित रूप माननीय घनश्याम तिवारी भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी को दाता नहीं है, लेकिन माननीय मदनलाल जी खुराना का दोस्त होना एक अलग विषय हो सकता है, दोस्ती किसी भी व्यक्ति की से होती है, माननीय मनोज जी
कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, लेकिन मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हैं, उनका मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, हम साथ बैठकर बात भी करते हैं, तो दोस्ती कहीं खत्म नहीं होती राजनीति में। राजनीति का अपना एक व्यक्ति किसी का चाचा भी हो सकता है और किसी का मामा भी हो सकता है। हम समाज में रहते हैं, समाज के अंदर व्यक्ति के नाते, किसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर भी टेक्निकल रूप से बने हुए हैं, उन्होंने विश्व वहां से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन वे भारतवाहिनी पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को नाता उनका नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। बिल्कुल, और ये बात जो जितने कॉन्फिडेंस या जो स्पष्ट बातें यहाँ पर राजनीति में होती हैं, उतनी स्पष्ट बाधिता अगर नेता न दिखाएं या अगर वो कंफ्यूज करें या गुमराह करें। अब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ही है कि आप सीएम बीजेपी के सीएम का या बीजेपी के नेता का कहा जाए, क्योंकि वो चुनावी प्रचार जो कर रही है वो बीजेपी का कर रहे हैं, आप उनका स्वागत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी छोड़ चुके हैं, भारत वाहिनी पार्टी बना चुके हैं, अब वो व्यक्तिगत तौर पर किसी के दोस्त हैं या दुश्मन हैं या मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, वो एक अलग का विषय है, यहां पर व्यक्तिगत विषय को हम लेकर नहीं बात कर सकते। लेकिन प्रताप जी, एक बात तो यहां स्पष्ट है कि बहुत जल्द बहुत तेजी के साथ एक जो मजबूती की जो कमी है या मजबूती जो कम होती नजर आ रही है लगातार चुनावी समय में, अगर इसको नहीं वापस कांग्रेस ने पाया तो संभवतः नुकसान होगा और जो सपना वो राज आने का देख रहे हैं वो सपना टूट सकता है। क्या कहेंगे प्रताप जी? हाँ आशीष, बात यह है कि क्योंकि राहुल गांधी की जो सभा हुई, उस सभा से जो मैसेज गया, जो कांग्रेस के बड़े सूत्री बताते हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है एक बार सीधे सीधे मैसेज ये गया है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट बहुत गहरे मित्र हैं। ये एक सीधा सीधा जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो मंच की बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक सीधी सीधी गई। जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट को इशारा करके अशोक गहलोत से गले मिलने को कहा, तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज गया है कि जो मैंडेट है, राहुल गांधी का मैंडेट है, वो सचिन पायलट के साथ है। ये एक सीधा सीधा मैसेज गया है। अब इसमें एक बड़ी राजनीति है आशीष, क्योंकि बड़े लंबे समय से, पिछले समय से जो विश्वेंद्र सिंह है वो अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं और वो बड़ी मांग भी करते रहे हैं कि अशोक गहलोत को सीएम पद का जो दावेदार घोषित किया जाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विश्वेंद्र सिंह, एक तो ये हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं पाला बदलने की सोच रहे हो, दूसरा ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व पे अपने इन एक्ट के द्वारा वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो कि वो खुले आम कहते हैं, आज भी कह रहे हैं और लगातार कहते रहे हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनना संभव है, ऐसा उनका मानना है। तो मुझे लगता है कि या तो विश्वेंद्र सिंह की या तो प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि विश्वेंद्र सिंह का मन भी बदल सकता है, क्योंकि एक बात है आशीष, भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की राजनीति में। बिल्कुल, वहां बीजेपी अपना एक कद्दावर नेता डॉक्टर दिगंबर सिंह को खो चुकी है, उनकी पिछले ही समय में डेथ हुई है, तो वहां बीजेपी को एक नेता की तलाश भी है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय यह है कि कांग्रेस को अपने घर को संभालने की बड़ी जरूरत है, और विश्वेंद्र सिंह के जो इशारे किसी भी ओर कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि वो अपनी बात को कांग्रेस के नेतृत्व पर दबाव डाल के मनवाना चाहते हो, या उनका कोई इरादा बदल गया हो। तो इन सब बातों पे राजनीतिक तौर पे ध्यान देने की कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को जरूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल, और चूंकि ये एक ऐसी स्थिति है कि प्रदेश में अब जो कार्यकर्ता उत्साह के साथ प्रताप जी मैदान में उतर रहे हैं, अगर उनका नेतृत्व अगर उन्हें कुछ अलग तरह के इशारे दे रहा है या अलग तरह के अगर उनके संदेश उन तक पहुंच रहे, तो कार्यकर्ता का जो पूरा उत्साह है या जो आत्मविश्वास है उसमें कमी आ सकती है, और ऐसे समय में ये चीज बहुत ही नुकसानदायक किसी भी राजनीतिक दल के लिए होगी। हमारे साथ अब पूनम चंद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। पूनम चंद जी, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो आपके नेता भी नए नए जो चुने जा रहे हैं या लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि आप कह रहे हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर आप भी चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा तो नहीं कहीं इस तरह के नेता बीजेपी से आए हुए या कांग्रेस से आए हुए आपके पार्टी में भी हों जो चुनावी समय में किनारा कर जाएं, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि कुमार विश्वास तो राजस्थान छोड़ के जा चुके हैं। नहीं नहीं, हम जो भाजपा और कांग्रेस वाली नीति नहीं है हमारी कि कांग्रेस आए तो भाजपा ने लिया, भाजपा आए तो कांग्रेस ने लिया। और अभी मेरे साथी ने बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो डूबती नाव पर पैर नहीं रखेंगे विश्वेंद्र सिंह, मतलब अगर नाव डूबती है तो चले जाते, मतलब ये है मतलब किस और कोई बयान दे दिया कि व्यक्तिगत बयान, ये पॉलिटिक्स में आने वाला व्यक्तिगत बयान क्या होता है? हमारी पार्टी में हम ऐसे लोगों टिकट सवाल ही नहीं है, हम सत्ता में चाहे 5 साल ना आए चाहे 10 साल ना आए, लेकिन ऐसे लोगों को कमी नहीं है कि दूसरी पार्टी से भाग के आ जाए और यहाँ दे दें उनको, सत्ता के लिए नहीं आए।
हम राजनीति बदलने के लिए आए, करप्शन दूर करने के लिए आए। हम ज्यादातर टिकट अपने उम्मीदवारों, हमें जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को देने का प्रयास कर रहे हैं हम, या कोई सोशल वर्कर वगैरह आए हैं उनको हम प्रयास देने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी कोशिश चल रही है 200 टिकट देकर के हम एक थर्ड विकल्प खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी लोग नाराज हैं। अब आप देखिए विश्वेंद्र सिंह चले गए, वो कांग्रेस भाजपा जाने तैयार हैं। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे भाजपा के कि हाँ ले सकते हैं, ये कह रहे हैं घनश्याम तिवारी अलग हो रहे हैं, कभी किसके डोरे डालते हैं कभी किसके डालते हैं, ये राजनीति क्या इस समय आ रही है? ये दोनों पार्टी, मैंने कई बार कहा है अपने इन दोनों पार्टी का प्रदेश में कहीं के देश के अंदर कहीं कहीं राज जरूर है, कांग्रेस का भी है और भाजपा की 18-20 जगह पर है। किसी प्रदेश का मॉडल बताओ ना, वो मॉडल लागू करेंगे राजस्थान के अंदर, बताएं सही कौन सा मॉडल है? ना कांग्रेस बता रही है, ना भाजपा बता रही है। दिल्ली का मॉडल सत्ता में आने की लालसा इच्छा या जो महत्वाकांक्षा है ये होती ऐसी है, आप किसी पर डोरे डालें अगर तो डोरे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर आपको उम्मीद है, अगर पूनम चंद भंडारी को बीजेपी की तरफ से ऑफर आता है कि जी आइए आपका स्वागत है और अच्छा खासा आपको अगर वहां पर मिलता है तो मुझे लगता है पूनम चंद भंडारी भी इस पर विचार कर सकते हैं डोरे बीजेपी अगर डाले तो। सर ये भूल जाइए, इतने साल की मेरी वकालत हो गई है, इतनी मैं जनी दिया चलाई है, मैं लालच के लिए नहीं आया हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी में आया हूँ, पहली बार इस पार्टी से आया हूँ मैं, कि स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, अच्छे काम, अच्छे लोगों को आगे चाहे, अच्छे लोग आगे आए, अच्छे लोग काम करें, इस प्रकार राजनीति खत्म करना है। मैं यही कह रहा हूँ दोनों बताना कौन सा मॉडल है, हम दिल्ली का मॉडल बता रहे हैं कि दिल्ली में जो काम किया है वो काम यहाँ करना चाहते हैं, ये बताएं सही। कांग्रेस बता दे हमने इस प्रदेश में बेस्ट काम किया, देखिए हम यहाँ करेंगे, या भाजपा बता दे कि 20 जगह पर सरकार है, ये हमारे बढ़िया काम किया हमने, वो मॉडल आई यहाँ पर, ये सत्ता में कैसे आए जाए वो काम किया जा रहा है। सरकारी यात्रा, सरकार का खर्च हो रहा है, यात्रा बताई जानी है, भाजपा की यात्रा हो रही है और सरकार खर्च हो रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण दे दिया, गलत कह रहे हैं, पीएलओ ने स्पष्टीकरण दे दिया, अब नहीं, अब आप बता दें वकील वहां पर मौजूद है, आधे वापस हो गए, अब इस बारे बात कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, अनुरोध बात करने का प्रयास कर रहे हैं, सुन लो आप, सुन लो आप, सुन लो, कोई स्पष्टीकरण दिया है? हमने गवर्नर से परमिशन मांगी है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ, कटारिया के खिलाफ में, अमित शाह के खिलाफ में, परनामी के खिलाफ में और यूनुस खान के खिलाफ में, इनके खिलाफ परमिशन दीजिए मुकदमा करने की, क्योंकि सरकारी धन को खर्च किया प्राइवेट यात्रा के अंदर, बाकायदा इनका ऐड आया था कि भाजपा की यात्रा है, निश्चित भाजपा की यात्रा है, और बाकायदा ऑर्डर पारित किए गए थे कि इनके टेंट की व्यवस्था, सारे खर्चे की व्यवस्था है, सारे ऑर्डर वापस ले लिए गए, नहीं ले लिए, बट यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, अब थोड़ी है पहले गवर्न कर लो बाद में कह दो गवर्न का पैसा भी दे दिया है, सर यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, हम देख रहे हैं गवर्नर कोर्ट देख लेगी, आपने पीएल दाखिल किए पता लग जाएगा, हमने पीएल नहीं, मैंने गवर्नर, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं रहा, हमने पीसीआई, अब आपका अधिकार क्षेत्र नहीं, गवर्नर से परमिशन मांगी है कि परमिशन दे मुकदमा करने के लिए, ये तो साबित हो चुका है, पीएल आपने लगा दी, ये तो साबित हो चुका है कि सरकारी पैसा खर्च किया और ये राज्यपाल पद को निर्णय लीजिए, आप ही निर्णय लेंगे इस बात का, ये तो डॉक्यूमेंट निर्णय आप ही कर लेंगे, साबित हो चुका है, अब गवर्नर परमिशन देंगे जेल जाना पड़ेगा इन लोगों को, पब्लिक का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, किसानों का पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, लोग मर रहे हैं पैसा खर्च कर रहे हो और यात्रा में इस प्रकार से पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जनता माफ नहीं करने वाली है, समय आ रहा है इनको, इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ये, चलिए ठीक है, प्रयास आपका जारी है, मुझे लगता है जी भंडारी जी बकार करते करते आजकल कुछ जेल वेल यात्राएं ज्यादा ही करवाने लग गए, तो भंडारी जी क्यों नहीं करेंगे, आपके लोगों ने झूठ बोला है, बात करिए आपके दिल्ली की, बात करिए दिल्ली के विधायक की, बात करिए पूरे देश की, सुनने का प्रयास करिए, आपके लोगों ने जेलें बंद है, चाहे मेडिकल के, मेडिकल का बड़ा घोटाला दिल्ली का है, बड़ी पानी का बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली का है, आपके विधायक फंसे हुए हैं, ठीक है तो वो विरोध कर सकते हैं, लोकतंत्र का ये खूबसूरती है कि हम अपने अपने विरोधियों के सामने बिल्कुल डटकर यहाँ विरोध कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, उनके कॉन्फिडेंस में ये झलकता भी है कि अच्छी बात है, वो अगर विरोध कर रहे हैं सरकार का, अगर उन्हें लगता है कि सरकारी धन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, उन्हें पीआईएल लगाइए, उनका जवाब उन्हें मिल जाएगा। बहरहाल मुद्दे से ना भटके, चूंकि आखिरी 4-5 मिनट हमारे पास है तो मैं सभी मेहमानों से इस पर फाइनल कमेंट्स ले लेता हूं कि अगर कांग्रेस के नेता का इस तरह का बयान सामने आता है तो कांग्रेस इस पर क्या विचार कर रही है या क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है। मनोज जी, इस वक्त जो संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, चुनावी समय है, बिल्कुल पीक पर ये मामला है,
कुछ ही महीने कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की, और कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी आके शंखनाद कर गए हैं, बीजेपी अपना परचम लेकर के निकली है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अगले चुनाव के लिए भी उन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि वो कोई चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि संभव भी नहीं है। लेकिन विश्वेंद्र सिंह का इस तरह का विषय और राहुल गांधी के आने के बाद जब मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को गले मिलाया जा रहा है और फिर कुछ इस तरह की चीजें जब हो रही हैं प्रदेश में, तो क्या आपको वाकई लगता है कि नेतृत्व में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है प्रदेश में? एक ऐसा एक कम से कम एक नेता ऐसा हो जिसके नाम पर सभी मोहर लगा सके, ऐसा ना हो धड़े भाई जैसे सीपी जोशी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, इस तरह के जो धड़े बनते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सभी धड़ों को एक साथ काम करना चाहिए चुनावी समय में, कम से कम कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज ना करें? देखिए आशीष जी, मेरे पास फोटो मिल गया है इसका, मैं आपको मीडिया को शेयर करना चाहता हूं। विश्वेंद्र सिंह जी के पास ये अधूरी सूचना थी, बिल्कुल राहुल गांधी जी के पास बैठे हुए हैं जगन्नाथ जी पाड़िया फ्रंट लाइन में। आप अपनी वीडियो को भी अगर आप घुमाएंगे तो देखेंगे चौथे नंबर पे आगे फ्रंट लाइन में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जगन्नाथ जी पाड़िया बैठे हुए हैं। विश्वेंद्र सिंह जी तक ये बात पहुंचाइए कि उनके पास पूरी अधूरी सूचना है और जगन्नाथ जी पाड़िया आगे बैठे हुए हैं। मनोज जी, कम्युनिकेशन गैप है, बोल रहे थे वहां पर, आप सत्य कह रहे हैं, ये बताइए, ये चीज साबित करती है कि कांग्रेस की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वो ही करती है। पहले मनोज जी क्या ये बात जाहिर करती है दरू मियां जी की और जगन्नाथ पाड़ी, ये बात जाहिर हो रही है मनोज जी की कम्युनिकेशन गैप है। ये कम्युनिकेशन गैप है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वहां उनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब वो पार्टी से या तो कटे हुए हैं या पार्टी उन्हें अब इस लायक नहीं समझ रही कि सारी बातें उन्हें बताई जाएं, या जयपुर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है विश्वेंद्र सिंह को भरतपुर में जानकारी नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। ये गैप कैसे खत्म होगा चुनावी समय में, खतरा हो सकता है साहब आपके लिए? देखिए आशीष जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको बयान देने से पहले उनको देखना चाहिए कि ऑलरेडी जगन्नाथ जी पाड़िया हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं जयपुर का प्रवक्ता हूं, महासचिव हूं, हर प्रदर्शन में हम उनको बकायदा स्थान देते हैं, मंच पे बिठाते हैं। बात तो उनको बताओ, किसी ने बताया? ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि जगन्नाथ जी पाड़िया हमारे सम्मानित नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस अपनी नीति सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, किसी चेहरे की पार्टी नहीं है। हमारा सिद्धांत है नेहरू जी, गांधी जी के टाइम से, जो लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सब नेता, सरदार पटेल, हम नीति सिद्धांत पे चलने वाले हैं। हम चेहरे में नहीं है कि चेहरा हमारा प्रदेश में कौन होगा या हमारे गले मिलने से हमारे दिल मिल जाएंगे। हमारा चेहरा हाथ का पंजा है, हमारे कांग्रेस के नीति सिद्धांत है। कांग्रेस लोगों का आपने नाम लिया साहब, जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता, ये सब ऐसा चेहरा थे कि जिनके सिद्धांत को मानेगा, देखे बिना उनका नाम सुनकर के लोग पीछे चल देते थे कि आज महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो ऐसा चेहरा था कि पूरा देश उनके लिए एकजुट होकर के और उनकी बात पर पूरी तरह से अमल करने को तैयार रहता था। लेकिन इसकी जरूरत है, ये कमी अभी आपको दूर करनी पड़ेगी। चलिए, समय बहुत कम है मनोज जी, समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट जल्दी जल्दी हमें अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जो भी बात कहेंगे सत्य कहेंगे आप। चलिए ठीक है, पूनम चंद भंडारी और ये बात विश्वेंद्र जी तो मैं सही तौर पर बता दूं, मानी मनोज, लेकिन ये बात आरोप लगाने माफी के साथ, मनोज जी माफी के साथ, आपने जो कहा ठीक है, आप लोगों ने सुना उसको, पूनम चंद भंडारी जी, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट देते हैं, समय की बर्बादी ना करें। पूनम चंद जी, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह की कम्युनिकेशन गैप की बात हो रही है, जो कम्युनिकेशन गैप आप देख रहे हैं, क्या लगता है आगे भविष्य में क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, क्या समीकरण बन सकते हैं राजस्थान में? सत्ता में तो मुश्किल है, लेकिन क्या विपक्ष में आप आ सकते हैं? देखिए, हम विपक्ष में आएंगे, सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं पूरा हम, और सवाल ही जिस प्रकार मेरे साथ जवाब दे रहे हैं, यहां दिखा रहे हैं, अरे विश्वेंद्र आपके नेता है भाई, उनको बताओ ना आप जाकर के यहाँ क्या प्रदर्शन कर रहे हो आकर के, इसका मतलब विश्वेंद्र आपकी बात मानते नहीं क्या, सुनते नहीं क्या, आप क्या क्या चाहते हो, क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, अपनी बात में मतलब अड़ी गए वो। देखिए, ये बात होने के बाद में वो कह रहे हैं
इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जबरदस्त खींचान चल रही है, तीन तीन चार चार घुट हो चुके हैं और इनको लग रहा है नहीं यार झूम रही है, चलिए ठीक है ठीक है, जनता लाइक नहीं कर रही है, लक्ष्मी राम जी कांग्रेस नहीं कर रही है, लक्ष्मी राम जी कांग्रेस जनता नकार रही है, सचिन पायलट जी सभी नेताओं को साथ लेके चल रहे हैं, जनता नकार रही है, कहां जा रही है, देखिए समय की कमी है, मैं चाहूंगा कि सभी मेहमानों से समय बराबर बराबर समय बराबर समय मिले, चलिए लक्ष्मीकांत बारिक जी क्या फाइनल कमेंट देना चाहेंगे, मुझे लग रहा है लक्ष्मीकांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्रताप जी फाइनल कमेंट इनसे ले लेते हैं कि आखिर किस तरह की परिस्थितियां ये देख रहे हैं, बोलो लक्ष्मीकांत जी आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए फाइनल कमेंट इसी तौर पर ये है कि जिस प्रकार से वर्तमान में कांग्रेस दशा चल रही है वह लगता है खनखन हुए कांग्रेस है, अब कांग्रेस के पहले के इनके उपाध्यक्ष को ये पता नहीं होता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में आ रहे हैं तो उन्हें जयपुर में होना चाहिए, यदि वे जयपुर में नहीं है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनके इनके प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय तो लगता है कांग्रेस में कुछ से कुछ अच्छा नहीं चल रहा, राहुल गांधी राजस्थान की यात्रा पर हो और प्रदेश के उपाध्यक्ष वहां पर मंच पर हो तो बड़ा प्रश्न खड़ा हो ठीक है जल्दी नहीं भरा गया तो परिणाम घातक हो सकते, कैसे भरा जाएगा ये गैप प्रताप जी? आशीष सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वेंद्र सिंह है वो बड़े कद्दावर नेता है, जमीन के नेता है, दूसरी बात बहुत इंटेलिजेंट नेता है, वो हालांकि अपने देहाती अंदाज में रहते हैं लेकिन बहुत ही शूर नेता माने जाते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जहां विश्वेंद्र सिंह होते हैं आमतौर पर सत्ता उसके साथ होती है, कुल मिलाकर विश्वेंद्र सिंह जैसे एक जो तेज तर्रार नेता को कांग्रेस अगर हल्के में लेगी तो कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या उनकी क्या मनस्थिति है, क्या क्यों परेशान है, इसको सुलझाना चाहिए। हाँ। दूसरा मेरा मानना है आशीष कि चुनावी रण शुरू हो चुका है। हाँ। इस रण में दोनों पार्टियां शिकार भी शुरू करेंगी, इस तरह के नेता अब आएंगे मैदान में, उनका शिकार एक दूसरे पार्टियां करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर को संभाल के रखने की सभी पार्टियों को एक चुनौती है और जिम्मेदारी भी है, अगर वो अपने पार्टियां अपने घर को संभाल के रख पाएंगी बिल्कुल, तो और प्रताप जी जो तारों की छांव वाली बात आपने कही वो तारों की छांव वाली राजनीति अब शुरू होने वाली है, बहुत शुक्रिया प्रताप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है इसलिए माफी के साथ सभी मेहमानों से शुक्रिया करना चाहूंगा, लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूनम चंद भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, और बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन कांग्रेस आगे आने वाले समय में किस तरह से अब इस पूरे चुनावी समय को साधती है इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।